है फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी सावित्री पूजा। सावित्री पूजा के हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जितने भी मेरी यहाँ पे सुहागन लोग देख रहे हैं वीडियो, मेरी सब्सक्राइबर हो नहीं भी सब्सक्राइबर हो वीडियो देख रहे सब लोगों के, ये मैंने प्यारा सा साड़ी लिया था और ये मेरी बेटी की साड़ी है। ये कुछ पूजा की सामग्री है। दो दिन से ये पका वाला पनस की खुशबू से घर महक रहा था। बाकी हमने पाइनएप्पल लिए है, काकड़ी लिए है, मूंग दाल, गुड़, आम, केला, नारियल और ये कुछ ज्वेलरी है और ये पूजा के लिए कुछ सिंदूर, अलता और चूड़ी है। इसमें दो तीन चीज़ें भी मिसिंग है जो कि ताड़ खजूरी है। फिर हम तैयार खुद भी हो गए हैं और पूजा के लिए भी थाल सजा के ले लिए है, भगवान को बिठा के दिया लगा लिए है और पूजा की शुरुआत कर लिए है। ये सावित्री पूजा हर सुहागन को करनी चाहिए, साल में एक बार आती है। पति की लंबी आयु के लिए ये पूजा करना जरूरी है और कंपल्सरी भी है, ये कोई ऑप्शनल नहीं है, तो करना ही है। तो पूजा का जो सावित्री पूजा का जो कथा है, कथा हम पढ़ रहे थे और सुन रहे थे। पूजा ख़त्म हो जाने के बाद हमने इसे नारियल फोड़े है और नारियल का कंपटीशन भी लगाए थे किसका नारियल गोल पटता है। नारियल फोड़ने के बाद से हमारा गोल पटा था, मैं दिखाई भी हूँ, देखो मेरा गोल पटा है बोल के। और इनका भी ऐसे नारियल फोड़ रहे थे, इनका भी गोल पटता है कि नहीं देखेंगे। और इनका ये पहली सावित्री है, मेरी 7 नंबर की सावित्री पूजा है। और इनका नारियल पटने के बाद ये भी दिखाए, मेरी भी नारियल गोल पटा है। इसी तरीके से हमारी तरफ पूजा होता है, बाहर नहीं जाते हैं हम, ऐसे घर पे ही पूजा करते हैं। बट हाँ, कुछ ही साइड में ऐसे बट वृक्ष जो है ना, वहाँ पे जा कर के धागा बांध के उनका कुछ पूजा रहता है, बट मुझे नहीं पता है वो कैसा करते हैं। हमारी तरफ ऐसा ही पूजा होता है, तो हमने ऐसे पूजा की है। और आप लोगों की तरफ भी कैसे पूजा होता है आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताए। पूजा ख़त्म होने के बाद हमने भगवान के आशीर्वाद लेंगे, आशीर्वाद लेने के बाद हमने हस्बैंड की भी आशीर्वाद लेंगे क्योंकि उन्हीं के लिए पूजा करें, तो उनसे आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये पूजा करने के लिए हमें आधे घंटे या 40 मिनट ऐसा टाइम लग गया था। टाइम इतना ध्यान नहीं है बट उतना टाइम तो लगता ही है। फिर पूजा ख़त्म होने के बाद से हम हस्बैंड का आशीर्वाद लेंगे, फिर घर पे जितने लोग हैं सब लोगों को थोड़ा थोड़ा प्रसाद देंगे। बाकी उपवास से कुछ बनाया हुआ, मतलब ऐसे गैस में बनाया हुआ चीज़ें कुछ खाते नहीं हैं हमारी तरफ, तो मैंने जो प्रसाद है मैंने वैसा ना खा के ऐसे साबूदाना का शरबत हमारी तरफ ही थे, तो उन्हीं में ही मैंने नारियल, केला, आम वगैरह सब डाल के जूस बना के ले लिया है। वही शरबत से छुपके से पी रही थी, तो मेरे हस्बैंड आके दिखा रहे, मोटी उपवास बोल रही है और आके यहाँ पे शरबत पी रही है, तो उन्होंने कुछ क्लिप ले ली है मेरी जूस पीने की। तो बाकी वीडियो कैसा लगा आप लोगों ने मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। और आप लोगों की तरफ से कैसे वीडियो, मतलब पूजा का कैसा रहता है, वो वीडियो के माध्यम से मुझे शेयर कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही थी। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए।